गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लें आज के हेडलाइंस पर। होली महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों पर जमकर बरसाए अबीर गुलाल, कहा आपसी सौहार्द के साथ मनाए त्योहार। जल्द ही बंद हो जाएगा कौवाबाग का रेलवे क्रॉसिंग, अंडर पास बनने की कवायद शुरू, गोरखपुर न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। और होली के मद्देनजर गोरखपुर प्रशासन रहा मुस्तैद, सहजनवा एसडीएम पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया गश्त। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर के ऐतिहासिक घंटाघर पर होली महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ कालीबाड़ी के महंत रविंद्रनाथ, साथ ही बनारस से आए कई प्रमुख संतों ने हिस्सा लिया। योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर उपस्थित विशाल जनसमूह पर रंग और गुलाल की बरसात की और अपने संबोधन में आपसी सौहार्द को बढ़ाए रखने की बात कही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, yeah।
मुख्य अतिथि परम पूजनीय गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, सौभाग्य से आज इस मंच पर अयोध्या से पधारे वशिष्ठ आश्रम के प्रमुख पूजनीय राम विलास वेदांती जी महाराज, आज के अपने इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सबका सौभाग्य है कि काशी से चलकर पूजनीय सतुआ बाबा जी भी अपने मंच पर उपस्थित है। अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत संघ चालक मान्यवर डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल गोरखपुर विभाग के विभाग संघचालक जी, आज के इस होलिका के होली पर्व के उत्सव में सम्मिलित करता हूँ। नरसिंह भगवान के भक्त प्रहलाद के जय श्री राम, जय श्री राम। नरसिंह भगवान के आज के शोभा यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतगण अयोध्या से पधारे डॉक्टर राम विलास दास वेदांती जी महाराज, काशी से पधारे श्री सतुआ बाबा महंत संतोष दास जी महाराज, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत प्रचारक माननीय मुकेश जी, प्रांत संचालक डॉक्टर पृथ्वी, राज्य विभाग संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, विभाग कारवा और इस होलिका उत्सव समिति के अध्यक्ष श्रीमान आत्मा सिंह जी, होलिका उत्सव समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और आज के इस शोभा यात्रा कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आए हुए गोरखपुर के सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं, आप सबको मैं होली समता और सौहार्द के प्रतीक इस पवित्र पर्व होली की हार्दिक बधाई देता हूँ और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूँ। आप सब जानते हैं कि हजारों वर्षों से हम होली के इस पर्व को मनाते आए हैं। आज जब होली के आयोजन को करते हैं, पहले काफी दिनों तक चलता था, लोग आपस में लगभग एक सप्ताह तक मिलते जुलते थे, होली के गीत गाते थे, अपने तरीके से समाज में एक समता का माहौल, सामाजिक समता का और सामाजिक सौहार्द की स्थापना के लिए कार्य करते थे। समय बदलता गया, लेकिन दो दिन का पर्व आज भी ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कल आपने होलिका दहन किया है, होलिका दहन यानी सामाजिक बुराइयों को व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में आई भी किसी भी विकृति को समाप्त करने का संकल्प दिवस। हमारा व्यक्तिगत जीवन या सामाजिक जीवन जब अनेक प्रकार की कुंठाओं से, रूढ़ियों से, विकृतियों से ग्रसित हो जाता है, तो धीरे धीरे करके वह ये विकृतियां किसी न किसी जड़ता के कारण इस व्यवस्था को रुग्ण बनाता है और रुग्ण समाज कभी स्वाभिमान के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए हम सब आपका
आह्वान करने के लिए आए हैं कि पर्व और त्योहार केवल एक आयोजन मात्र नहीं है, पर्व और त्योहारों के बीच एक व्यापक भावना को समझने की आवश्यकता है। और इस दृष्टि सबसे पहला कार्य इसकी पवित्रता को और इसकी मर्यादा को बनाए रखते हुए हम सबको ऐसा संकल्प लेना चाहिए जो हमें इन विकृतियों से मुक्ति का मार्ग हमारा प्रशस्त कर सके। और उसका सबसे अच्छा माध्यम है, आज जब आप देखते होंगे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप सबको संबोधित करते हैं, एक मंत्र उन्होंने दिया संकल्प से सिद्धि का, संकल्प से सिद्धि का मंत्र। यानी 2022 में जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा होगा तो कैसा भारत आपको चाहिए, कैसा गोरखपुर आपको चाहिए, एक ऐसा भारत जिसमें गंदगी के लिए कोई स्थान न हो, जिसमें परिवारवाद और जातिवाद के लिए कोई स्थान न हो, जिसमें क्षेत्रवाद और भाषावाद के लिए कोई स्थान न हो, किसी भी प्रकार के अन्याय और अत्याचार के लिए कोई जगह न हो, और उस सबसे बढ़कर जिसमें भ्रष्टाचार के लिए किसी भी प्रकार के लिए कोई जगह न हो, एक ऐसा भारत जो गरीबी से मुक्त हो, एक ऐसा भारत जो किसी भी प्रकार की दुर्व्यवस्था से मुक्त हो, और एक ऐसा भारत जिसमें हर परिवार के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत हो, एक ऐसा भारत जिसके में हर परिवार के पास अपना विद्युत का कनेक्शन हो, जिसके पास अपने स्वयं का रसोई गैस का कनेक्शन हो, एक ऐसा भारत जो विकसित भारत हो, जो खुशहाल भारत हो, भारत के निर्माण का संकल्प दिवस हम सबको इन पर्व और त्योहारों को मनाना चाहिए। आज होली का उत्सव हम मना रहे हैं, यानी संकल्प के साथ अपनी बुराइयों को तिलांजलि देने के बाद उत्सव के साथ एक दूसरे से गले मिलते हुए हम आपस में अपने पर्व और त्योहार को किस रूप में मनाते हैं। आपसी मतभेदों को भुला करके जब समाज संगठित होकर के कार्य करेगा तो संगठित समाज ही खुशहाल होगा। और याद रखना हमारा पर्व और त्योहार हमें निरंतर प्रेरणा प्रदान करता है अच्छाई के मार्ग पर चलने का, सत्य के मार्ग का अनुसरण करने का, अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करने का। और हम सबको अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी सदैव इस बात का ध्यान रखना होगा, जहां कई अन्याय है, जहां कई अत्याचार है, जहां कई बुराई है, जहां कई भ्रष्टाचार है, जहां कई गंदगी है, उसके खिलाफ संगठित होकर के मिलकर के हम लोग अपनी ताकत का एहसास कराएं। यह होली का पर्व हम सबको यही प्रेरणा प्रदान करता है। हम सबको इस बात का स्मरण रखना होगा, अन्यायी, अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसका अंत सुनिश्चित है। देश की भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस देश का किसी प्रकार की उस दुर्व्यवस्था के खिलाफ जारी वर्तमान की लड़ाई इसी विजय के प्रतीक के रूप में आगे बढ़ रही है, जिसका नेतृत्व आज इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। और आज के अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सबका आह्वान करूंगा, ये पर्व और त्योहार की पवित्रता और इसकी मर्यादा को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम लोग आपस में मिलकर के सुनिश्चित करें होली को हृदयंगाई का प्रतीक न बनाएं, होली को आपसी सामाजिक समता का, सामाजिक सौहार्द का, सत्य न्याय और धर्म के प्रतीक के रूप में, एक ऐसे पर्व के रूप में हम इसे मनाएं जो पर्व अनंत काल तक सदैव आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बना रहे और उसकी पवित्रता रंगों के साथ, गुलाल के साथ एक दूसरे से मिलते हुए हम इस पर्व और त्योहार को मनाएं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि अगर कहीं पर कोई व्यक्ति बीमार है, कोई होली नहीं खेलना चाहता है, किसी के अन्य कारणों से नहीं खेलना चाहता है, तो हम जबरन उस पर रंग न फेंके, गुलाल न फेंके, क्योंकि ये हम लोगों की मर्यादा का प्रदर्शन करता है। अनुशासित समाज अनंत काल तक अपनी यात्रा को आगे
बढ़ा सकता है, लेकिन अनुशासनहीन समाज बहुत अधिक दिनों तक अपनी परंपरा को जीवित नहीं रख सकता। एक अनुशासित समाज के रूप में मर्यादित व्यवहार करते हुए, पर्व की पवित्रता को बनाए रखते हुए हम सबको होली के पर्व को मनाना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है, पिछली बार भी मैं आया था, मैं पिछले लगभग 20-22 वर्षों से भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में आपके साथ सहयोगी बनता रहा है। जितना बड़ा जुलूस निकलता है ये शोभा यात्रा में, मुझे लगता है कम से कम 50,000 से अधिक लोग सहभागी बनते हैं। सभी लोग पूरे अनुशासन के साथ, पूरी मर्यादा के साथ, पूरी पवित्रता के साथ इस पर्व को मनाते हैं। रंग और गुलाल डालेंगे, लेकिन कहीं कोई कीचड़ नहीं डालता, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं फैलाता। और आज फिर मैं आप सब सबसे अपील करूंगा कि आप लोग पूरी पवित्रता के साथ, पूरी मर्यादा के साथ, अनुशासित ढंग से इस पर्व की मर्यादा को बनाए रखेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर यह संकल्प हम सब लेते हुए कि समाज की हर प्रकार की बुराइयों को तिलांजलि देकर के, समाज में जातिवाद का भेद को समाप्त करके, किसी प्रकार के छुआछूत अस्पृश्यता के भेदभाव को समाप्त करते हुए हम सब एक समतामूलक समाज का निर्माण करते हुए भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपके होली की हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान नरसिंह से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में वह इसी प्रकार की खुशहाली लाए, होली जैसे पर्व बार बार आपके जीवन में आते रहे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। खड़े होकर करेंगे, मान्य अतिथियों से आग्रह है कि मंच पर खड़े हो जाएंगे। सावधान, तत्स राष्ट्रम्।
छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 5 दशकों से भी ज्यादा समय से चल रहे गोरखपुर के कौवा बाग रेलवे क्रॉसिंग के अंडर पासिंग की वजह से बंद हो जाएगा। आगामी 6 मार्च से इसके लिए काम शुरू हो जाएगा और लगभग 35 से 36 बार खुलने वाला रेलवे का ढाला इतिहास बनकर रह जाएगा। कौवा बाग रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले अंडरपास शहर का दूसरा अंडरपास होगा। इसके बन जाने से धर्मशाला ओवरब्रिज का लोड काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अंडरपास के बन जाने से धर्मशाला और मोहद्दीपुर ओवरब्रिज पर यातायात का लोड कुछ सीमा तक कम हो जाएगा। अंडरपास बन जाने से ट्रेनों के गुजरने की वजह से कई बार लंबी कतारों से लोगों को रोज 2-4 होना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही भारी वाहन अंडरपास से नहीं जा सकेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से एक विशेष बातचीत के दौरान रेलवे के कर्मचारी ने बताया। ये इसका अंडर पास करना काम स्टार्ट होने वाला है और 6 तारीख से वो सड़क बंद होने की संभावना है। हम की सब मशीनें सुनी आ गई हैं, ठेकेदार के सब आदमी आ गए हैं और पूर्व अंडर पास बन जाएगा तो सबके लिए सुविधा हो जाएगी। उससे और क्या क्या जनता को इसमें लाभ होगा? लाभ होगा कि जो रेलवे के कॉलोनी के लोग हैं उनको समय से अपने स्थान पर चले जाएंगे, समय बचेगा और एक्सीडेंट भी रुकेगा। लेकिन हैवी वाहन नहीं जा पाएंगे, इसके लिए थोड़ा तकलीफ होगा। इसके लिए पुल है और धर्मशाला पर है एक मोहद्दीपुर मोहद्दीपुर ओवर ब्रिज है, यही फायदा होगा रेलवे के और यहाँ के बिजिया साइड के और क्या नाम है पाली बाजार के लोगों के लिए ज़्यादा सहूलियत। आपका शुभ नाम? बालेंद्र शर्मा मेरा नाम है। होली का त्यौहार हुड़दंग में ना बदल जाए, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए त्यौहार की अति संवेदनशीलता और चुनाव के आचार संहिता दोनों की शुचिता को बरकरार रखने के लिए SDM पंकज श्रीवास्तव ने सहजनवा क्षेत्र में तहसीलदार रामानुज त्रिपाठी और थानाध्यक्ष के साथ गश्त की। इस मौके पर SDM पंकज श्रीवास्तव के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे।
किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गोरखपुर का जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। आपको बताते चले कि गोरखपुर में लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर आचार संहिता भी लगी है, इसका कड़ाई से पालन भी किया जा रहा है। साथ ही होली जैसे हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार भी इसी बीच पड़ गया है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। होली महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों पर जमकर बरसाए अबीर गुलाल, कहा आपसी सौहार्द के साथ मनाएं त्यौहार। जल्द ही बंद हो जाएगा कौवाबाग का रेलवे क्रॉसिंग, अंडर पास बनने की कवायद शुरू, गोरखपुर न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। और होली के मद्देनजर गोरखपुर प्रशासन रहा मुस्तैद, सहजनवा एसडीएम पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया गश्त। इस बुलेटिन में बस इतना ही, कल तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज। और गोरखपुर न्यूज के परिवार की तरफ से सबको होली की ढेरों और ढेरों बधाइयां। नमस्कार।